दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला का आज अपना पहला मुकाबला खेल रही है और इस मुकाबले में हमें गेंद और बल्ले का रोमांचक जंग देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की है तो वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो बुवुमा और रजिवंडर हुसैन ने शानदार अर्धशतक लगाया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहली इनिंग का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और टेम्बो बुवुमा ने कौन सी बेहतरीन बल्लेबाज है, कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आपके सामने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आज के मुकाबले में चोटिल रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल पहली बार भारत की ओडीआई कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वहीं 7 सालों में पहली बार विराट कोहली केवल एक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर दिखाई देंगे। वहीं इस मुकाबले में ऐसा माना जा रहा था कि सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा, लेकिन भारत के नए कप्तान केएल राहुल 2 स्पिनरों को खिलाने के लिए उनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा और भारत की नई सनसनी कहे जाने वाले वेंकटेश अय्यर को आज प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। वहीं काफी समय बाद भारतीय ओडीआई टीम में शामिल हुए भुवनेश्वर कुमार भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं अब तक के खेल में हुए हमें दोनों ही टीमों की तरफ से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारतीय गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलाल भी उनका डटकर सामना कर रहे हैं। दोस्तों आज भारत की पारी का पहला ओवर भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लेकर आए और उन्होंने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को खुलकर शॉट नहीं लगाने दिए और उन्होंने अपने इस ओवर में केवल 2 रन दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर लेग बाई के चलते साउथ अफ्रीका को 4 रन मिले और पहले ही ओवर में अफ्रीकी टीम का स्कोर 6 रनों के पार पहुंच गया। वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर के पहले ही गेंद पर साउथ अफ्रीका के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 2 रन बनाकर इस ओवर की अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे ओवर में एक ओवर के साथ केवल 3 ही रन दिए। इसके बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 9 रनों तक पहुंच गया और यहां से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया और बेहतरीन लय में दिख रहे भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह के 3रे ओवर की 5वीं गेंद पर साउथ अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 14 रनों तक पहुंच गया और अफ्रीकी टीम एक बेहतरीन शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलाल को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके साथ ही 5 ओवरों की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका महज 23 रन पर ही अपना एक विकेट गंवाकर मुश्किल में पड़ गई, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो बुवुमा ने जसप्रीत बुमराह की एक गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपने टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म की एक झलक दिखाई। वहीं दूसरी तरफ भारत के स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार ने भले ही विकेट नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करके साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा हुआ है और उन्होंने रन देने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी की है। हालांकि इसके बाद टेम्बो बुवुमा और क्विंटन डिकॉक ने बेहद ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 15 ओवर तक और कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन रिंग्स ब्रेक के बाद रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए खतरनाक दिख रहे क्विंटन डिकॉक को क्लीन बोल्ड करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। वहीं इसके बाद पारी के 18 ओवर में आज के दिन डेब्यू कर रहे वेंकटेश अय्यर ने एक बेहतरीन डायरेक्ट थ्रो करके साउथ अफ्रीका को 3रा झटका दिया, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रजिवंडर हुसैन ने अपने कप्तान टेम्बो बुवुमा के साथ मिलकर अपनी टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 31 ओवरों की समाप्ति तक अपनी टीम का स्कोर महज 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 36 ओवरों की समाप्ति तक इन दोनों ही बल्लेबाजों में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 200 रनों के करीब पहुंचा दिया, जिसमें टेम्बो बुवुमा ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 105 गेंदों में 78 रन बनाकर अभी भी नाबाद है। तो वहीं रजिवंडर हुसैन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 55 रन बना लिए हैं और साउथ अफ्रीका एक बड़े स्कोर तक बढ़ रही है। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन शुरुआत कर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो बुवुमा और रजिवंडर हुसैन में पानी फेरते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी की है और ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में भारतीय कप्तान के केएल राहुल शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।